शुक्रवार को आवाज महिला रसोई 10वें दिन जब हॉस्पिटल में खाना लेकर पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ कर्मी जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया गया। यह देख रसोई के लिए काम कर रही महिलाओं का मन भी बहुत खुश हुआ। रसोई चलाने वालों में सायरा, नीरू, मंजू, कल्पना, इंदु और नजमा आदि शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी किसी भी स्तर पर लोगों की मदद करने से पीछे नहीं है। सहसपुर विधानसभा के पलवल क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उभरते नेता भरत सिंह द्वारा घर घर जाकर सैनिटाइजर करने के साथ ही सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए गए। आम आदमी पार्टी के नेता भरत सिंह द्वारा करवाए जा रहे इन जन सरकार से जुड़े कार्यों की स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इस तरह की व्यवस्था की गई है आउटर एरिया में, और ये देहरादून के सबसे रूरल एरिया है, यहाँ पे जो है आवागमन बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि पॉलिटिकल की बात करें या सोशल वर्कर की बात करें तो इस तरह का आगमन जो है यहाँ बहुत कम रहता है, देखने को मिलता है। और जैसे कि आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया है, धन्यवाद है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोग आए हो तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि ये एरिया आपको बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा होगा शहर की तरफ से। तो वंस अगेन थैंक्स, और मुझे ये उम्मीद रहेगी कि आप जो है बिल्कुल अवेयर रहेंगे इस तरफ, फिर भी आपका रुझान रहेगा, ध्यान रहेगा। थैंक यू। पछवादून में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई समाजसेवी व नेता आगे आ रहे हैं। गरीबों की जरूरतों को देखते हुए सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगनीवाला और शेरपुर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आकिल अहमद ने ऐसे कई जरूरतमंद गरीब लोगों को राशन वितरित किया। वहीं उन्होंने सभी से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। पछवादून और जौनसार बाबर में शुक्रवार को कुल 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीता सेना ने बताया कि शुक्रवार को सहसपुर ब्लॉक में 23 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं उपजिला चिकित्सालय विकासनगर की सहायक नोडल अधिकारी ऋतु जोशी ने बताया कि 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही चकरौता में 1, त्यूड़ी में 8 व कालसी में 10 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखकर कोरोना किट मुहैया करा दी गई। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।